नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक फिश की रेसिपी जो बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमें इस रेसिपी बनाने में ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ मैं फिश को साफ़ करके इसमें नमक और हल्दी पाउडर मिला के रख दिया है। यहाँ मैं 2 स्पून राई, 2 स्पून क्यूमिन, लहसुन की कलियाँ और 1 ग्रीन चिली लूँगी और उन सबको एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ मेरा पेस्ट रेडी है। अब मैं इसको लेके फिश में ऐड करूंगी और उन सबको अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसमें 3 से 4 स्पून दही ऐड कर रही हूँ और दही ऐड करने के बाद मैं इन सबको अच्छे से मिलाऊंगी और इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। लास्ट में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता ऐड करके उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटे के बाद हम एक बड़ी सी बर्तन में या कढ़ाई में पानी लेंगे। उसके बाद हम पहले जो फिश को मैरिनेट करके रखे थे उसे यहाँ मिडिल पे रख के ढक कर के उसे हम आधा घंटा या 25 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। लो फ्लेम में हमें स्टीम करना है। आधा घंटे के बाद हमारा फिश करी बनकर तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। मैं यहाँ चेक कर रही हूँ यहाँ अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक भी हो गया है। अब मेरा फिश करी बिना ऑयल का बनकर तैयार है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।